हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले इससे पहले वाली वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और सारी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। सो लास्ट की जो वीडियो मैंने बनाई थी वो थी थर्ड सर्विस की, तो गाड़ी उस हिसाब से हमारी चमक रही है। और वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक आएगा, इसके बाद उसको ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो 90% और 95% रिम पेंट के ऊपर होने वाली है। तो आज हम रिम पेंट करने आए हैं, तो सबसे बड़ा इशू मेरा यही था जो अभी तक ये वीडियो नहीं बना पाए थे, और कि हमारे सारे टायरों में ऑलरेडी पेंट हो चुका था और मुझे नहीं लग रहा था कि इसके लिए भी डिमांड आ सकती है। बट मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए और इंस्टाग्राम में भी मेरे से कई लोगों ने बोला कि रिम पेंट के ऊपर वीडियो बनाई है। सो टुडे वी आर हेयर फॉर दैट। वैसे ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी भी एसेसरीज़ वाले के पास जाते हैं, गाड़ी में कोई भी काम कराते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई रिम पेंट करना है, तो वो सिंपली एक अपना जो आपका पेंट होता है लेंगे और सिंपली पेंट करना शुरू कर देते हैं। आप देख भी सकते हैं, आपको वीडियो आ रही होगी, छोटी सी क्लिप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो वो इस तरह से कुछ पेंट करते हैं, तो इससे यार क्या होता है ना कि आपका जो अंदर का डिस्क वगैरह होता है, डिस्क पैड होता है, उन सब में ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है। हालांकि इतना पता नहीं चलता, बट नहीं होना चाहिए वो चीज़। अगर काम कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा प्रोफेशनली होगा, और ये काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद से किया है और आज वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा इशू ये था कि सारे टायर ऑलरेडी हो चुके हैं तो मैं कैसे करूँगा। बट इसका लास्ट यही सॉल्यूशन निकाला कि जो हमारे पास स्टेपनी है, स्टेपनी के टायर को लाते हैं और उसमें पेंट करके आपको दिखाते हैं। बट इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप सारे टायरों को खोलिए, खोलने के बाद उसमें पेंटिंग करके वापस लगा दीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि लगा रहे और फिर हम पेंट करें। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है आज मैं वही सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेपनी की तरफ, स्टेपनी निकालते हैं और उसको उसको फिट कर लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, टायर हमारा खुल चुका है और ये बाहर आ चुका है। सो अब इसको करते हैं रिप्लेस, और फिर उसके बाद में लगाते हैं हम अपना दूसरा टायर। ये रहा अपना अपनी स्टेपनी। तो जैसे कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमें इसको बचाना है पेंट से और अपने इस हिस्से को बचाना है। तो ये पूरा एरिया है जो हमें अपना पेंट से बचाना है, इन नटों को भी हमें पेंट से बचाना है, हालांकि इनके ऊपर ये लग जाते हैं, तो इसका मतलब इसको भी हमें अपने पेंट से बचाना है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं जल्दी से। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर वीडियो। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो सबसे पहले ऑब्वियसली पेंट रहेगा, और अपना एक छोटा सा ग्लव रहेगा, और एक छोटा सा कपड़ा रहेगा, और जो मेन चीज़ एक ये है अपने पास, मास्किंग की टेप। तो ये वही वाली टेप आपको केमिस्ट में मिल जाएगी आराम से, 20-30 रुपये की मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इसी को करने वाले हैं, और न्यूज़पेपर भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि अंदर जितना भी होगा ना वो सारा इसी से कवर होगा, यही है आपका जो कवर करेगा। तो सबसे पहले तो मास्किंग करनी स्टार्ट करते हैं। इस टेप को इस वजह से यूज़ करना ठीक रहता है क्योंकि इसमें ना कटिंग पटिंग की टेंशन नहीं रहती। ये ख़त्म, बस इतना आपको काम करना है। तो गाइज, ये काम आपको ही टाइम लगने वाला है, इस काम में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और यही वो काम है जिसके बाद आपकी गाड़ी की जो लुक होती है थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है, जो कि VXI की लुक बन जाती है, ठीक है? तो ये काम आपको ज़रूर करना पड़ेगा, और यही वो चीज़ है जो कि एसेसरीज़ वाले नहीं करते हैं। अगर हाँ, वो ये भी कर सकते हैं, बट आपको उनको बोलना पड़ेगा, और चीज़ के लिए आई एम डैम श्योर वो चार्ज करेंगे, अच्छा खासा चार्ज करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोसेस में लगता है टाइम। तो जिस चीज़ में टाइम लगेगा वहाँ पर पैसा तो लगेगा, तो या तो आप उनको पैसे दीजिए और उनसे कराइए, या तो फिर आप घर में लाकर थोड़ा सा टाइम निकाल के ये काम करिए। तो ये मेरा फिट हो गया है। उसके बाद में अब बारी आती है हमारे टायर की। अच्छा, मैं इससे एक चीज़ पहले बताना भूल गया, इस प्रोसेस को करने से पहले आपको क्या करना है, अपने टायर को, अपने रिम को अच्छे से क्लीन करना है। आप इसको अच्छे से धो लीजिएगा। मेरा तो खैर नया है, मैंने तो अंदर से निकाला, इस वजह से मेरा ज़्यादा क्लीन है। जब मैंने ये सारा काम किया था प्रीवियसली, तो मैंने अपने सारे टायरों को प्रॉपर धोया था, क्लीन किया था, ताकि इसमें कोई भी डस्ट ना रह जाए। अगर डस्ट रह जाती है तो समझ सकते हैं कि जो भी इसमें डस्ट रहेगी वो वहीं की वहीं एज इट इज़ रह जाएगी, और पेंट से वो वहीं की वहीं चिपक जाएगी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से ये काम यार आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद हम आते हैं अपने टायर पे। सो
वेल, ये सारा टेप हम पूरे टायर में नहीं लगाने वाले हैं, सिर्फ इतना हिस्सा लगाने वाले हैं जहाँ पर हमें लगता है कि इतनी इतनी जगह पे पेंट लगने के चांसेस हैं। सिर्फ उतनी जगह पे हम ये पेंट कर मास्किंग करने वाले हैं जहाँ जहाँ हमारा पेंट आएगा, दैट्स इट। तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये मास्किंग हो गई है। अब एक बार आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह आपको दिख रही है कि जैसे अभी इधर थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखेंगे ना, इस तरफ थोड़ा सा मेरे को टायर दिख रहा है, तो मैं इस तरफ थोड़ा सा और मास्किंग कर दूंगा इस तरीके से ताकि मेरा टायर नज़र ना आए। मेरे को भाई फिनिश अच्छी चाहिए अपनी गाड़ी में, अपने टायर में, अपने उसमें। तो इस वजह से मैं छोटा छोटा ना थोड़ी सी डिटेलिंग ज़रूर करूँगा इसमें, यही डिटेलिंग की चीज़ें होती हैं। सो गाइस, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि पेंट इस तरह से करेंगे तो उस जगह पे एक्स्ट्रा जा सकता है, तो वहाँ पे आप खुद से, मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार कहाँ कहाँ मुझे और लगाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ये हमारी ओवरऑल मास्किंग हो चुकी है पूरी गाड़ी में, सॉरी टायर में। बाहर की तरफ से तो हो चुका है काम, अभी काम रहता है अंदर का। तो अंदर लगाना है हमें न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेयरिंग को घुमाएंगे, इस टायर को राइट हैंड की तरफ रोटेट करेंगे ताकि हम उसमें पेपर लगा सकें। तो अंदर चलते हैं एक बार। सो अब लगाते हैं हम अंदर पेपर। तो थोड़ा सा अगर इस तरफ से देखेंगे, सो गाइज अब मैं बता रहा हूँ आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करनी है कि जितने भी आपके यहाँ पर ये होल्स दिख रहे हैं ये सब आपको ब्लॉक करने हैं। ये यहाँ पर सिर्फ आपको पेपर दिखना चाहिए ताकि आप पेंट करें ना तो आपके पेपर पे पेंट जाए, ना कि अंदर वाले हिस्से पे पेंट जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, सारे हमें जितने भी होल्स हैं इन सबको हमें ब्रेक करना है, सबको बंद करना है हमें। तो इस तरीके से हम टायर को घुमाएंगे और अपने पेपर को फिट करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये हमारा रहेगा प्रोसेस। थोड़ी यार मेहनत ज़रूर लगने वाली है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये देखिए, तो एक साइड का हो चुका है। अब हम टायर को वापस इस तरफ रोटेट करेंगे और इस वाले साइड में दोबारा से पेपर लगाने वाले हैं। तो टायर को फिर से घुमा लेते हैं। सो दोस्तों, टायर घूम चुका है, अब लगाते हैं पेपर इस साइड। तो आप थोड़ा सा देखिए, ये हमने लगाया, ये हमारा पेपर आया। लो दोस्तों, हो चुका है हमारा काम। अब आप देखिए, कोई भी ऐसा बोल्ट है जहाँ से पीछे का कुछ दिख रहा है, तो यहाँ से कुछ दिख रहा है हल्का हल्का, तो वहाँ पर भी हम वापस लगाएंगे। और ये हमारी तरफ से हो चुका है फिट, इजंट इट? यस। तो एक बार टायर को वापस घुमा लेते हैं, इसको सीधा करते हैं। सुन लो दोस्तों, अब हमारा काम शुरू होगा पेंटिंग का। तो ये बिल्कुल फिट हो चुका है, परफेक्टली ओके हो चुका है। तो सो मास्किंग डन हो चुकी है, उसके बाद अब हम आते हैं पेंट पे। तो ये वो पेंट है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है, और काफ़ी सारे सर्च कर रहे थे तो कुछ मेरे को अच्छे प्रोडक्ट लगे थे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो भी पसंद करते हैं आप मंगा सकते हैं। तो इसको लगाने से पहले हम लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस, जैसे कि ग्लव्स है हमारे पास, सबसे पहले तो मास्क लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में अपना ग्लव्स डालते हैं हाथों में। और एक हाथ भी काफ़ी है यार, मैं एक ही लिया इसी वजह से, ताकि अपना एक की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको पहनते हैं और फिर उसके बाद में अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये सील्ड पैक है जैसे आप देख रहे हैं, तो ये हमारा खुल चुका है। तो बस, अच्छा एक चीज़ और, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इसको मैंने मास्किंग में नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि कवर लगने वाला है। और ये वाला जो एरिया है ना, आप देख सकते हैं पहले से ब्लैक है। अगर ये ब्लैक है तो इसमें पेंट होने से इनफैक्ट फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है, तो आप पेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कर लीजिए, वैसे ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों मेरी तरफ से ये हो चुका है, एक बार नज़र हमने ये मारनी है कि कहाँ कहाँ हमारा रहता है। थोड़ा सा इस तरफ से नजर आ रहा है कि यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इस तरफ भी अपन ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ निकल रहा है। अभी इसको सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 2-1 मिनट का टाइम चाहिए, 2-1 मिनट में बड़ी जल्दी ही ड्राई हो जाता है। तो 2 मिनट देते हैं इसको, उसके बाद में देखते हैं इसका फिनिश कैसा निकलता है, क्योंकि देखने में तब अच्छा लगेगा जब हम इसकी ये जो मास्किंग हमने करी है ना, जब इसको हटाएंगे ना, उसके बाद में जो लुक आएगी आप देखिएगा और पता चलेगा कि गाड़ी VXI की तरह हो चुका है बिल्कुल भी। तो 2 मिनट इसको देते हैं और सूखने देते हैं इसको। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी हद तक सूख गया है, कुछ रह गया है थोड़ा बहुत, बट होपफुली ये सारा हो ही गया है। ये देखिए ये सब यहाँ से हट ही चुका है। तो अब हम इसकी सारी मास्किंग जो भी है ना वो हटाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, तो इस कॉर्नर पे करने का हमारा यही पर्पज़ था कि जिस तरह से यहाँ पे आपको पेंट दिख रहा है ना, अभी ये सारा पेंट हमारा टायर में हो चुका होता, तो इस वजह से हमने इसको पेंट किया था। तो अब हम इसको हटाते हैं और ये देखिए, ये हमारा रीज़न था कि टायर में मास्किंग करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी ये सारी चीज़ें ना टायर में आ जाती हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यार अगर इसमें नहीं करते तो ये क्या होता। उसके बाद में अब आती है हमारे बारी बोल्ट्स की। तो ये आई हमारी लुक। अब हम अंदर के पेपर हटाने वाले हैं, तो अगर आप ऐसे ही हटा सकें तो हटा दीजिए, अगर नहीं हटता है तो थोड़ा सा टायर को ज़रूर घुमा लीजिएगा और इसको हटा दीजिएगा। तो ये सबसे पहला पेपर और तो ये चीज़ बचाने के लिए हमने ये पेपर पीछे लगाए थे। अभी आप डिस्क को देखेंगे ना तो वो एज इट इज़ वैसे ही चमक रहा है। अभी ये जो आप ओवरऑल लुक देखेंगे, VXI एग्जैक्टली ऐसे ही आती है, इसी तरीके से आपके टायर दिखते हैं ब्लैक पेंट के साथ। तो ये है वो लुक जो आप घर पे ला सकते हैं, गाड़ी को LXI से VXI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर अब आप कैसे भी व्हील कवर लगाइए वो आपकी चॉइस है, आप मारुति के लगाइए, बाहर से लीजिए, कैसे भी लीजिए। तो आपको ये चीज़ दिख गई है और बताइए कैसी लग रही है फ़ोटो, पहले कैसे टायर थे और अभी कैसे लग रहा है। तो ये ओवरऑल चीज़ निकली है हमारी। गाइज आपने आगे वाले टायर के तो देख लिए किस तरह से मास्किंग करनी है, किस तरह से पेंटिंग करनी है। अब एक बार हम पीछे वाले की भी बात कर लेते हैं, हालांकि मेरे तो ऑलरेडी डन है, बट आपको अगर चारों में करने हैं तो चारों के लिए जब आप पीछे आप करेंगे तो पीछे आपको क्या करना है, सब कुछ सेम वही प्रोसेस रखना है, बट जो अंदर हमने न्यूज़पेपर लगाया था वो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पीछे पहली बात तो ड्रम ब्रेक है, और जो ड्रम ब्रेक है ना, तो जिसमें ड्रम ब्रेक लगा है वो ऑलरेडी ब्लैक है, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत ब्लैक अंदर जाएगा बिना तो कोई इशू नहीं बनने वाला है, वो ऑलरेडी ब्लैक है, कोई डिस्क नहीं है। तो यहाँ पर आपको आपके बोल्ट्स में नट्स में करना है और टायर पे करना है, दो जगह आपको मास्किंग करनी है और इसमें सिंपली पेंट करना है, यही मैंने किया था एंड देर इज़ नो इशू विद दैट। तो ये हमारी हो गई पीछे की भी आगे की भी। तो इस तरीके से आपने अपनी गाड़ी को टायरों को सारे पेंट करने हैं, और बाहर से ना कराइए क्योंकि वो पेंट तो कर देते हैं बट थोड़ा सा ना इस तरीके से हो जाता है काम, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे कई लोग ऐसा कराते हैं, वो थोड़ा सा अपनी गाड़ी को फंकी बनाना चाहते हैं कि जो आपका डिस्क वाला एरिया है ना उसमें कलर करा देते हैं, येलो करा देते हैं, रेड करा देते हैं, ग्रीन, वट एवर जो भी उनकी पसंद है। बट उससे उसको कराने से एक नुकसान क्या होता है कि जब आप गाड़ी काफ़ी चला लेते हैं ना, काफ़ी गाड़ी आपकी थोड़ी सी चल जाती है, तो जब भी आपकी गाड़ी चलती है जब ब्रेकिंग यूज़ होती है ना, तो वो हिस्सा गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से जो पेंट होता है ना वो हीट होता है, हीट होने के बाद वो सारा ना पेंट निकल के आ जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया हो, वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपने शायद ये चीज़ नहीं सुनी होगी, आपको पता नहीं चला होगा, बट ऐसा होता है, तो पेंट ना कराइए, अच्छा लगता है ये चीज़ ही ठीक है, और अगर कराना भी है तो कंपनी से कराइए इसको,
ताकि वो चीज़ ना जो पेंट होता है ना बर्न ना हो, वो पेंट जले ना वहाँ पे और वो निशान ना बना दे। आप कराएंगे रेड बरो, कुछ टाइम बाद ना मेहरून हो जाएगा, बिल्कुल कलर ही उसका चेंज हो जाएगा, जल जाता है क्योंकि वो पेंट इस वजह से। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आएगी। और ये जो भी प्रोसेस आपने देखा इसके बारे में आपके क्या विचार हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट ज़रूर करिए यार, आप लोगों के कमेंट कम आते हैं। जो भी आपके सजेशन है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके विचार हैं वो ज़रूर बताइए। और वीडियोस लोग देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।